हेलो टू ऑल, और आप सभी का स्वागत है फैबलेस एडियो एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम आज डिस्कस करेंगे आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे आज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और जिसमें हम चीज़ों को समझेंगे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी है क्या। लेकिन जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले, तो जाके तुरंत तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो सके। चलो, अब सब्सक्राइब कर लिया तो अब आगे चलते हैं, साथ में बेल आइकन है उसको दबा देना। एक्ट ईस्ट पॉलिसी समझते हैं क्या है। देखो, ये इंडिया ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है। डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव मतलब देशों के बीच में आपस में बातचीत करके होता है, ताकि हम प्रमोट कर सकें इकोनॉमिक, आर्थिक, स्ट्रेटजिक और कल्चरल रिलेशन। किसके साथ? एशिया पैसिफिक रीजन के साथ। एशिया पैसिफिक रीजन कौन सा होता है दोस्तों? ये देखो, ये जो आपका एशिया है ना, ये जो रीजन है आपका, ये पैसिफिक की तरफ मिलता है, ये आपका एशिया पैसिफिक रीजन है। तो इसके साथ आपको मिलना है पैसिफिक ओशन में। इधर आपका ऑस्ट्रेलिया भी आता है, इधर जापान भी आ जाता है, साउथ कोरिया भी आ जाता है ना। ठीक है, अब ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी से पहले इंडिया के पास 1991 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वी नरसिम्हा राव, उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की थी। अब लुक ईस्ट पॉलिसी में क्या था? लुक ईस्ट पॉलिसी में पहले ये कहा गया था कि जो इंडिया के, मतलब देखो, पहले हमारा ध्यान ना इधर हुआ करता था, नेबर की तरफ, इधर बांग्लादेश है ना, सॉरी इधर बांग्लादेश, इधर नेपाल है ना, श्रीलंका, ये पाकिस्तान, मतलब आसपास में हम ध्यान रखते थे, लेकिन और साथ में इसमें। तो फिर हमारे लुक इस पॉलिसी को लाया गया और कहा गया कि हमें अपने नेबरहुड, पड़ोसी देशों से अलग हटके भी आगे का सोचना है। तो किधर सोचना होगा आपको? आप ईस्ट की तरफ जाइए। ठीक है, आप ईस्ट की तरफ जाइए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ईस्ट की तरफ। लुक ईस्ट में मतलब मेनली फोकस उस वक्त एशियान कंट्रीज थी दोस्तों, एशियान की कंट्रीज। कितनी कंट्रीज होती है मैं सब बताऊंगा आपको। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में लॉन्च हुई। ठीक है, म्यांमार में ईस्ट एशिया समिट हुआ था उसके अंदर। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसके अंदर तीन बातें आपको कही जाती हैं कि हमें तीन सी पे रिलाई करना है, तीन सी पे ध्यान देना है। ये तीन सी कौन कौन से दोस्तों? कल्चर पे, कनेक्टिविटी पे, कनेक्टिविटी मतलब एक देश दूसरे देश से कितना कनेक्टेड है, कितना वो जा सकता है, ट्रेड कर सकता है ना। और कॉमर्स पे, कॉमर्स हो गया आपका ट्रेड वाला। टू डेवलप बेटर रिलेशंस विद आशियान नेशन, है ना, आशियान नेशन के साथ। आशियान के नेशन अभी बताऊंगा आपको कौन कौन से हैं। अब अगला देखते हैं, है ना, ये हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या डिफरेंस है लुक ईस्ट पॉलिसी का और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। ठीक है, पहले आप देख लो यहाँ पे, ये म्यांमार, ये आपका थाईलैंड, कंबोडिया, है ना, ये आपका पूरा साउथ एशियन नेशन, ये आपका जकार्ता, इंडोनेशिया, सब कुछ आ गया। ठीक है, देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी का फोकस था आपका साउथ एशियन, एशियान कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया, मतलब साउथ में पड़े ईस्ट एशिया, ये आपके देश जो आपके मेनली 10 देश होते हैं, और साउथ ईस्ट एशिया को ही कंफाइंड था। लेकिन आपका जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो दूर दूर तक इकोनॉमिक और सिक्योरिटी की बात करता है, ना ही सिर्फ आपका साउथ ईस्ट एशिया बल्कि ईस्ट एशिया। तो कुछ लोगों को दिक्कत होगी कि सर ये ईस्ट एशिया क्या है। देखो, ईस्ट एशिया जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, ईस्ट एशिया में आपका जापान भी आ जाएगा, साउथ कोरिया भी आ जाएगा, आपका आसियान तो आएगा ही आएगा, ऑस्ट्रेलिया भी आएगा आपका। ठीक है, देखो हम लोग क्या है, चाइना को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से अपनी, मतलब जो रिलेशनशिप है उसको अच्छा कर रहे हैं, स्ट्रांग कर रहे हैं साथ में, ताकि हम चाइना की जो बढ़ती पावर है वो, देखो चाइना से सब परेशान है, साउथ कोरिया परेशान है, आपका जापान परेशान, चाइना जिसके भी पड़ोस में है ना वो सब परेशान है, वो जबरदस्ती करता रहता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे जापान है, तो जापान के साथ भी हमारा रिश्ता, रिलेशन अच्छा होता है। जैसे जापान ने कल ही हमारा डिसाइड किया है कि इंडिया में कितने बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए फायदा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इधर ट्रेड हो सकता है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इस तरह से हम कर रखा है। ठीक है, तो ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया का आपका, और ईस्ट एशिया भी है ना, पूरब की तरफ जो एशिया है उसकी बात कर रहे हैं। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, करना क्या चाहते हैं? देखो, पहले तो ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना चाहता है। इकोनॉमिक मतलब आपका जो आर्थिक संतुलन, मतलब कोऑपरेशन से आर्थिक गतिविधियां को बढ़ावा देना चाहता है। ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कल्चरल ट्राइज है, डेवलप स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद कंट्रीज इन एशिया पैसिफिक रीजन,
और साथ में आपका रीजनल, रीजनल मतलब उसी के आसपास है ना, क्षेत्रवाद, क्षेत्र के पास। बायलेटरल, बायलेटरल मतलब दो दोस्तों, दो देशों के बीच में। मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारे मिलके देश, जैसे आपका क्या है कि आसियान एक मल्टीलेटरल लेवल है, वहाँ बहुत सारे देश है, लेकिन वही इंडिया आपका सिर्फ और सिर्फ जापान से डीलिंग करे तो उसे कहते हैं बायलेटरल, है ना, इंडिया जापान से, जापान इंडिया से, ठीक है। चलो अब ये क्या कहते हैं, मैंने बताया था ना चाइना के इंपैक्ट को रोकने के लिए आसियान रीजन पे, वो भी किया है, साथ में हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स है ना, तो उनके साथ नेबरिंग कंट्रीज का रिश्ता मतलब इंट्रैक्शन करने के लिए, ताकि हम भी ग्रो कर सके, वो भी ग्रो कर सके। अब देखो आसियान के पहले 10 देश याद कर लो, आसियान में आपके कौन कौन से 10 देश हैं, एक तो थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, ब्रूनी और फिलीपींस। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है वर्ल्ड मैप में, और वर्ल्ड में जाके देखना है कि सारे के सारे 10 देश कहाँ पे हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं आपको, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, ब्रूनी और मलेशिया, ठीक है। अब जैसा कि हमने कहा था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में गवर्नमेंट तीन चीज़ों पर रिलाई करता है, तीन सी, कल्चर, कनेक्टिविटी और कॉमर्स, ठीक है, ताकि हम अच्छे रिश्ते बना सके आसियान नेशन के। देखो आसियान नेशन के साथ तीन सी पे आसियान नेशन के साथ बनेगा कनेक्टिविटी, लेकिन बाकी देशों के साथ भी है। सिग्निफिकेंस क्या है, देखो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ इंडिया जापान की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हुई है ना, और हमने डिसाइड कर लिया कि इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन ओशियन और पैसिफिक रीजन में कॉपरेशन करके हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि इंडिया इस बात को मानता है कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहाँ पे फ्री, ओपन और इंक्लूसिव होना चाहिए। फ्री का मतलब दोस्तों कोई टैक्स नहीं लगाए, कोई चार्ज नहीं लगा कहीं आने पे। ओपन मतलब ये नहीं जैसे चाइना कहता है ना कि इस एरिया से गुजरना है तो तुम गुजर नहीं सकते, वो मेरा एरिया है, तो ओपन होना चाहिए। और इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब सब मिलजुल के करें, साथ करें, तब एक कोऑपरेटिव है ना, कोऑपरेटिव रिलेशन वो होगा, ये हो गया आपको, ठीक है। अब क्या है, इंडिया ने इंडो पैसिफिक रीजन पे बहुत फोकस कर रहा है, इसीलिए हम लोग कंट्री जो है साउथ में, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में है, उन सबको मिला के एक्ट इंडो पैसिफिक नाम की चीज बनाना चाहते हैं आगे। एक्ट इससे एक्ट आपका इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, और आप सभी को पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय सेल्फ, बाय बाय, टेक केयर।